एवरीवन, आई एम मेरीन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू, वो है लैक्मे का फेस मैजिक स्किन टिन सफल। तो ये मैंने बहुत ही पहले से लेके रखी थी लेकिन यूज़ नहीं किया था। अभी दो तीन बार यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू बना रही हूँ। मैंने पहले लैक्मे का फाउंडेशन भी यूज़ किया, ये लगभग प्राइस सेम ही है, मतलब ये आप फाउंडेशन ही है, बस इसका शेप अलग सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 30 मिलीलीटर इन 165 रुपीस। ये भी मैंने नायका से लिया था और नायका में आपको ऑफर मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कार्डबोर्ड का बॉक्स में आता है, ऊपर तो कोई प्राइस लिखा हुआ है, बस कोई शेड का नाम नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज डैब डॉट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन टू योर चीक्स फॉर हेड नोज एंड चिन स्मूथ इवनली फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर फेस आउटवर्ड्स फॉर एन इंस्टेंट ग्लो विद जस्ट अ हिंट ऑफ कलर अप्लाई लैक्मे फेस मैजिक स्किन टिन सफल एवरी डे। तो ये एवरी डे यूज के लिए बनाया गया है, तो शायद इसमें इतना अच्छा कवरेज नहीं मिलेगा। लेट योर स्किन ग्लो विथ जस्ट अ हिंट ऑफ टिन लैक्मे फेस मैजिक स्किन टिन सफल हैज जस्ट द राइट टच ऑफ स्किन परफेक्टिंग कलर फॉर एन इंस्टेंट ग्लो इजी टू ब्लेंड एंड इन्फ्यूज विथ सनस्क्रीन इट गिव्स यू कॉन्फिडेंट डेली केयर। तो इसको आप सनस्क्रीन के साथ मिक्स भी कर सकते हो। यहाँ पे कहीं भी इन्ग्रीडियंट्स का नाम नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है यूज बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम पैक। तो मतलब आपको पैकेजिंग वाला जो डेट दिया है उससे 24 मंथ तक ही यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और कवर में तो और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए देखते हैं अंदर क्या होता है। तो आता है ऐसा ग्लास का बॉटल में, बॉटल नहीं बोल सकते, छोटा सा बॉटल है। तो और कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम ही फेस मैजिक स्किन टिन सफल, और एक साइड में इसका प्राइस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ है और नीचे उसका शेड मेंशन किया हुआ है नेचुरल मार्बल। हाँ, तो मैंने ये शेड नेचुरल मार्बल वाला लिया था। इसमें आपको शायद 3 शेड मिल जाएगा और लैक्मे फाउंडेशन का जो शेड आता है यहाँ पे सेम ही है। तो इसे खोल के देखते हैं क्या मिलेगा। इसमें ऐसा आता है, एक ग्लास का जार है इसलिए ये ट्रैवल फ्रेंडली तो है नहीं, इसको ऐसे खोलना होगा। अंदर ऐसा क्रीम रहता है, तो सच में ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है और इसे लेने के लिए भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसका मुंह बहुत ही बड़ा है। ट्यूब वाला होता या पंप वाला होता तो इजी होता सबके लिए। तो यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट वेस्ट भी हो रहा है। तो देखिए इसका कंसिस्टेंसी कैसा है, ये मुझे ऐसे ही निकालना होगा और तो उपाय है नहीं। देखिए तो ये बहुत ही लिक्विडी है। तो मैं इसे अपने हाथ में यूज करके दिखा लूंगी। तो यहाँ पे मैं 2 डॉट्स लगा रही हूँ, एक तो मैं अपने हाथों से ब्लेंड करूंगी। मतलब आपको दिख रहा है एक कवरेज भी देता है थोड़ा बहुत। तो जहां पे मैंने ये लगाया है यहाँ पे अलग सा एक ग्लो आ गया है, तो ये बहुत ही इजीली ब्लेंडेबल है और चिपकता एकदम नहीं, तो अच्छा लगा। तो नेक्स्ट वाला मैं यूज करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से। शायद लिक्विड ही है, यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर ही सारा सोक कर लिया है। तो हाथ में जो वाला मिक्स किया वहाँ पे आपको अच्छा खासा कवरेज देखने को मिल रहा है जहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया
वहाँ पे इतना अच्छा कॉर्वलिस नहीं आ रहा है, और यहाँ पे ग्लो भी दिख रहा है, वहाँ पे ग्लो भी नहीं है। तो अच्छा है कि आप हाथ से ही यूज़ करें इसे। वो मैं बोल सकती हूँ कि ये आप डेली यूज़ के लिए ले सकते हैं, और इसे हाथ से ब्लेंड करने से आपको अच्छा खासा कवरेज भी मिल जाता है। वो ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश से तो इतना कवरेज नहीं मिलता है। आप लोग के लिए यहाँ पे एक क्लिप डाल दूँगी जहाँ पे मैंने इसको यूज़ करके ये वाला लुक क्रिएट किया है। तो इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, पर डेली यूज़ के लिए ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय, अभी मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक एवरीडे वेयर वाला सिंपल सा मेकअप जो मैं हमेशा अपने स्कूल में जाने के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने अपने फेस को अच्छे से धो लिया है, टोनिंग भी कर लिया, मॉइस्चराइजिंग भी कर लिया और मैंने प्राइमर भी लगा लिया है। अभी मैंने लैक्मे फेस मैजिक को अपनी हाथ पे निकाल लूँगी थोड़ा सा। मैं हमेशा कम प्रोडक्ट पहले निकालती हूँ ताकि मुझे ज़रूरत होगा तो मैं बाद में निकाल सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा। उसे मैं अपनी पूरी फेस में डॉट करके लगा लूँगी और इसे मैं अपने नेक में भी लगाऊंगी, क्योंकि आप फेस में जो लगाते हो वो भी नेक में लगाना ज़रूरी है। अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैबिंग मोशन में पूरा फेस और नेक पे इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। आप चाहे तो हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। हाथ से ब्लेंडिंग करने से आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है, पर यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो ही आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें। मैं इसे धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं इसे फेस और नेक के साथ अपने लिप्स में भी लगा रही हूँ, और स्किन टिंट को सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं दिन के लिए मेकअप कर रही हूँ इसलिए मैं SPF वाला कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने नेक को भी सेट कर लूँगी और फेस में जो भी एक्स्ट्रा पाउडर रह गया है उसे निकाल लूँगी। आईज के लिए मैं बस सिंपल सा काजल लगा रही हूँ, क्योंकि ये एवरीडे वाला लुक है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ लगाना पसंद नहीं करती। मैंने काजल बस लोअर वाटरलाइन पे ही लगाई थी, ऊपर में बस सिर्फ मास्कारा लगाऊंगी ताकि मेरे आईज भी ब्राइट लगे थोड़ा सा। मैं मास्कारा का 3-4 कोट लगा लूंगी। अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे लिप बाम लगा रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी लिप बाम लगा सकते हैं, इससे आपका लिप्स का मॉइस्चर लॉक हो जाता है। लिप्स में मैंने फाउंडेशन भी लगाई थी। फाउंडेशन लगाने से लिप्स का जो पिगमेंटेशन है वो लिपस्टिक लगाने के बाद नहीं दिखती है। मैं यहाँ पर पिंक कलर का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही डार्क कलर है।
पर इतना डार्क मुझे दिन में अच्छा नहीं लगता है। लिपस्टिक को थोड़ा लाइट बनाने के लिए मैं यहाँ पे टिश्यू यूज़ कर रही हूँ। टिश्यू से मैं जितना भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक है वो निकाल लूँगी, तो मुझे एक सॉफ्ट सा कलर मिलता है, वो मुझे बहुत ही पसंद है और मेरी लिप्स मॉइस्चराइज भी रहती है।